खंडवा जिले के धनगांव पुलिस ने तीन ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने 11 अगस्त की रात को लूट के इरादे से बोलेरो वाहन का पथराव किया था, जिसमें एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को गंभीर चोट आई थी। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है। दरअसल घटना पिछले महीने 11 अगस्त की है, जहां धनगांव थाना अंतर्गत आने वाले अटूट फाटे पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा सनावत से आ रही कार पर पथराव किया गया था, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की आंख फूट गई थी। इस मामले को लेकर धनगांव थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया और SP के निर्देश पर इस मामले में SDOP मुंदी राकेश पेंडो सहित निरीक्षक हरि सिंह रावत, उप निरीक्षक सुषा परते एवं अन्य लोगों की टीम गठित की गई थी, जिस पर मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने लूट के इरादे से वाहन पर पथराव करने की बात स्वीकार की है। 11 अगस्त 2021 को एक बोलेरो पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी। उस टीम के द्वारा अच्छे लगन और मेहनत से एक संदेही दिनेश भील को पकड़ा गया, जिससे सख्ती से पूछताछ की गई। उसकी पूछताछ करने से अन्य दो आरोपी विजय और नानक राम, उनको भी हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा लूट के उद्देश्य से बोलेरो पर रात को 11 बजे के आसपास पत्थर मारना स्वीकार किया गया है। तीन आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा उनके पूर्व से अपराध हैं और एक नकजमदी करना उन्होंने स्वीकार किया है। इसके अलावा कुछ मोटरसाइकिल भी उनसे बरामद हुई है। खंडवा से विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।